आर जी 24 न्यूज़ चैनल में आप जी का धन्यवाद है जी। मैं बूटा सिंह गालव, अज असी पहुँचे हाँ डॉक्टर अशोक शर्मा जी दी हॉस्पिटल विखे, जो कि मदर टेरेसा इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल टेक्नोलॉजी नू चला रहे ने, अते वो इस टेक्नोलॉजी के चेयरमैन आ जिन्हें बहुत ही सज्जे ढंग चला रहे हैं। अज असी उन्होंने गलबात कर लगे हाँ। अज जो कि विश्व हार्ट डे आ, विश्व हार्ट डे के उत्ते असी हार्ट दीयां बीमारियां बारे, हार्ट नू किवें संभालना वा, उहदे जागरूक किवें रखना वा, उन्होंने असी गलबात कर लगे हाँ। सानू बीमारी डॉक्टर अशोक शर्मा जी की कहिंदे ने। हाँ जी साहब, डॉक्टर साहब जी तुसीं बहुत ही उगे समाज सेवी आ, जगराओं के मशहूर डॉक्टर हो, अते सानू हार्ट दीयां बीमारियां बारे दसो भी हार्ट नू किवें सेफ रखा जा सकदा अज, क्योंकि हार्ट का विश्व डे देना ते उहदे संबंध में सानू दसो खुल के चलना वा। आज विश्व हार्ट दिवस जो कि सारी दुनिया में मनाया जा रहा है, इस मौके पर मैं शर्मा अस्पताल अते मदर टेरेसा इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल टेक्नोलॉजी वालों तोड़े ते तोड़े परिवार के तंदुरुस्त रहन की शुभकामनावां दिंदा हाँ। जिस तरह अज असी विश्व हार्ट दिवस के बारे थोड़ी जानकारी देना चाहते हाँ कि दुनिया दे विच हार्ट की बीमारी ने मनुखता का काफ़ी हद तक घाण किया है। ये बीमारी जो है एक ऐसा रोग है जिहदी असी इलाज दे नाल ठीक कर सकते हाँ, पर फिर भी जिहड़ा मनुख है अज ये 40% मौतां जिहड़ियां है वो हार्ट अटैक नाल, हार्ट ब्लॉकेज नाल, ट्रिपल वैसल डिजीज नाल, बल्ब दे खराब होने के कारण और एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इनफॉक्शन, ये मनमुख बीमारियां हैं जिस करके मनुखता की कान हो रहा है। तो अज असी गल कर रहे हाँ कि ये बीमारियां के कारण की है। कारण हैं ओवरवेट होना, डायबिटीज़ का हो जाना, शुगर की बीमारी का होना, हाई ब्लड प्रेशर का होना, नाड़ियों की ब्लॉकेज हो जाना और किसी किस्म का ऐसा कारण जिस करके वाल्व जड़े है हार्ट दे, जिस तरह कि मेरे पिछे ये एनाटॉमी हार्ट की दिखाई गई है, ये बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व जड़े है उन्होंने जी फंक्शनिंग जी है डिसफंक्शनिंग हो जाती है। तो ये पिक्चर जो है इसलिए शो करती है कि साड़ी जी कंडक्शन ऑफ द हार्ट है वो दिन पर दिन घटती जाती है, जिन्हों असी कहने इजैक्शन फ्रैक्शन घट गई। जिहड़ा नॉर्मल आदमी है वो इजैक्शन फ्रैक्शन 60-65 तक रही है, लेकिन जी उन्होंने हार्ट की बीमारी हो जाती है वो घट के 25-30 तो लैके ये पहुँच जाती है। तो उस वेले साढ़े वास्ते ये बड़ी एमरजेंसी बन जाती है कि असी ये इलाज वास्ते जल्दी तो जल्दी उपराला करिए और इन्हें अच्छे तो अच्छे हार्ट केयर सेंटर लैके जाइए ताकि उत्थे इहदे जिहड़े प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है जिन्हों एंजियोग्राफी कहिंदे है, एंजियोप्लास्टी कहिंदे है, ये जिहड़े है टेस्ट हो के ये फैसला कर सकीए कि किन्ने परसेंट ब्लॉकेज है, कि इहदी सर्जरी करन दी लोड़ है, बाईपास सर्जरी दी लोड़ है, कि इस नूं इलाज करन वास्ते सानू स्टेंट पा के ही रस्ता जिहड़ा ब्लॉक होया खुल जाऊगा, तो ताकि जिहड़ा इंसान है मरीज़ है उहदी जान नूं बचाया जा सके। तो असी इहदे नाल नाल ये कहांगे कि इहदा हर साल इन्वेस्टिगेशन 60 साल तो उपर बंदियां नूं टेस्ट करवाने चाहिए है ताकि उन्हां नूं ये पता लग सके कि आने वाले टाइम च फ्यूचर दे विच कोई बीमारी हार्ट की तो नहीं लग जाऊगी। जिन्हां दे विचों अजकल पैकेज जिहड़े है वो दिते गए है जिहदे विच इकोकार्डियोग्राफी, TMT, ब्लड दे टेस्ट, CBC टेस्ट और ब्लड शुगर दे टेस्ट, ये करवा के असी एडवांस
इस गल तो अलार्म लै सकते हाँ कि असीं इस तो बचना है। तो अगर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी दे विच सानू ब्लॉकेज नज़र आती है एक वैसल की दो वैसल की या तीन वैसल की तो उहदे वास्ते इमीजिएटली बाईपास है। अगर एक वैसल जिहड़ा ब्लॉक है वह स्टेंट पा के भी खोलिया जा सकता है, दो वैसल भी खोले जा सकते हैं, पर नहीं मैं राय दूंगा कि इमीजिएटली वो तरीका अपनाओ जिहदे नाल इंसान की आयु जिहड़ी है बच सके। तो हुण साडा भोजन किस तरह होना चाहिए, साडी खुराक किस तरह होनी चाहिए है, सानू नशियां दा इस्तेमाल जिहड़ा नहीं करना चाहिए। पंजाब दे विच इहदी बहुतायत जिहड़ी है बीमारी का कारण है, ज़्यादा घ्यो का ज़्यादा मक्खन का लस्सी का दुध का इस्तेमाल जिहड़ा लिमिटेड मात्रा करना चाहिए ताकि अंदरों पैदा होने वाली जिहड़ी फैट है वो साड़ी हार्ट की नाड़ियों के ब्लॉक ना कर दे। तो जरूरत है सानू इहदे प्रति जागरूकता फैलाने की। इस तरह ही कसरत जिहड़ी है वो 45 मिनट लंबी वाक जिहड़ी है सुबह उठ के अपने शौच आदि तो निबड़त होकर सवेरे सूरज चढ़न तो पहला जिहड़ा वह लंबी वाक ते जाना चाहिए है, उदों बाद योगा करनी चाहिए है, मसाज करना चाहिए है, एक्सरसाइज करनी चाहिए है और दिनचर्या अपनी वधिया ढंग नाल चलाने वास्ते स्वस्थ जिहड़ा भोजन जिहड़ा ग्रहण करना चाहिए है। हुण गल ये कि बहुत सारे अटैक जिहड़े हो रहे हैं, अज दा अखबार पढ़ के हैरानी हुई है कि हार्ट के पेशेंट, किडनी के पेशेंट और हाइपरटेंशन के पेशेंट ये बीमारियों तो ज़्यादा ग्रस्त हो रहे हैं। क्यों ग्रस्त हो रहे हैं? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जिहड़ी है वो बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है। इम्यूनिटी मैंने रोग के प्रति लड़न की ताकत, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर बैंक के बाहर चौकीदार कमज़ोर होगा तो बैंक लुटिया जाऊगा, वो गनमैन खड़ा करना पैंदा है। इसलिए ही साढ़े शरीर जिहड़ा गनमैन है वह है साड़ी इम्यूनिटी। जे साड़ी इम्यूनिटी मजबूत है तो असीं रोगों के नाल लड़ाई लड़ सकते हैं तो तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है पंजाबियों नूं हथ बन के कि अपने डाइट नूं संतुलित करो और लंबा जीवन जियो। जिंदगी जिहड़ी है मनुखी जीवन जो है उहनूं जीवन वास्ते इंसान जिहड़ा है धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारा चीज़ों की प्राप्ति वास्ते दुनिया च आया है। वो ये चीज़ों की प्राप्ति धन इकट्ठा करन दे विच अर्थ कमाण वास्ते अपने शरीर नूं भुल जाता है, जिस करके बीमारियों का शिकार हुंदा है और इम्यूनिटी का लो हो जाती है। तो करोना दे वायरस जिहड़ा वै ये भी इम्यूनिटी लो होण के ही बीमारी का कारण बनया हुआ है। जिन्हां लोगों की इम्यूनिटी सही है उन्होंने करोना वायरस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इम्यूनिटी ताकत अंदर हैगी है। जिहड़े कमज़ोर है जां बीमार है अज इस दुनिया तो जा रहे हैं उहदा कारण जिहड़ा वै ये डॉक्टर ने लभिया कि इम्यूनिटी जिहड़ी है उन्हां दी लो हो गई। उन्हां नूं इम्यूनाइजेशन प्रोसैस के बारे नहीं ज्ञान सी। तो अज असी जमांदरू बच्चे नूं छोटे नूं पोलियो वैक्सीन, DPT वैक्सीन और MMR वैक्सीन, वैक्सीन देने का मतलब की है कि असी उन्हां बीमारियों तो उन्होंने बचाइए। अज इस बीमारी की कोई वैक्सीन ना निकलने करके ही ज़्यादा जिहड़ी दुनिया के 1 करोड़ तो वध बंदा जिहड़ा वै मौत दे मूँह जा चुका है और पंजाब दे विच भी इहदा फिगर जिहड़ा वै 3200 तो उत्ते क्रॉस कर चुका है और जिहदे विचों 31% औरतां है, 2% बच्चे है, बाकी बीमार है। तो मेरे वीरो पंजाब वासियो जरूरत है सानू अज विश्व हार्ट दिवस के उत्ते प्रण लैण दी कि असीं अपना ते अपने आंढ गुआंढ दा ख्याल रखना है और इस बीमारी तो रोकने वास्ते सबनों पता है कि मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का रखना और इस तो अलावा निकट के वातावरण स्वच्छ रखना, बार बार हैंड वाश करना और डिस्टेंस रखना। असी अपने हस्पताल दे विच एक स्पेशल सैल बनाया है, जो कोई ऐसे रोगी आए हैं उन्हां वास्ते अलग इंतजाम रखे, उन्होंने उस कमरे में जाके असी बकायदा उन्होंने काउंसलिंग भी करते हैं और ट्रीटमेंट भी वास्ते एडवाइज़ करते हैं। मैं
एक बार फिर विश्व हार्ट दिवस से तुहानू सारयां नू अपने वल्लों तुहाडे तंदुरुस्त जीवन लई लंबी आयु लई प्रार्थना करदे होए परमात्मा अगे अरदास करदा हाँ कि ईश्वर तुहानू लंबी आयु बख्शे। धन्नवाद। जय हिंद। ये सन जगराओं के प्रसिद्ध डॉक्टर अशोक शर्मा जी जिन्होंने सानू अज विश्व हार्ट दिवस से बहुत ही हार्ट दी बीमारियों बारे और हार्ट को किमें सेफ रखना वा किमें आप सेहत की संभाल करनी आ विस्तार दसिया उन्हों का असी RG 24 धन्यवाद करते हैं।